भगवान बुद्ध 10 प्रकार के धन कमाने वाले लोगों के बारे में बताया। कितना प्रकार के? 10 प्रकार के उन्होंने बताया। ये अनाथ पिंडित सेठ जी को बताए हैं ये सूत्र। कौन सा सेठ जी को? अनाथ पिंडित सेठ जी को बताया। सेठ जी 10 प्रकार के लोग हैं जो धन कमाते हैं, धन कमाता है, लेकिन इनमें से 9 लोग अच्छा नहीं है, 9 लोग खराब है, उनमें से एक है बहुत अच्छा है। देखिए आप लोग का परिवार में सभी लोग मामे पापा लोग सभी लोग धन कमाते हैं। देखिए कैसा है, पहला व्यक्ति है वो गलत ढंग से पैसा कमाते हैं। गलत ढंग से पैसा कमाते हैं मतलब दूसरों को परेशान करके लूट के ठगता है, या डांडी मारता है, या तो फिर दारू बेचता है, या तो फिर मांस बेचता है, या तो फिर जहर बेचता है, या तो फिर औजार बेचता है, गन वगैरह जो आदमी लोगों को मारने के लिए औजार बेचता है। ऐसा नहीं है तो दूसरों को झूठ बोल के पैसा कमाता है, दूसरों को फंसा के धोखा दे के लूट कर पैसा कमाता है, वो अधार्मिक ढंग से पैसा कमाना। ऐसे पैसा कमाता है। दूसरा कारण वो मतलब पहला वाला कही है, वही व्यक्ति खुद खाता नहीं है, पैसा कमाया लेकिन खाता पीता नहीं है, परिवार को देता नहीं है, और ये क्या करता है, उसी धन से एक बूंदा पुण्य भी नहीं करता है। ये आदमी का 3 गलत दिखाई देता है। पहला क्या है, अधार्मिक गलत ढंग से धन संपत्ति को कमाता है। दूसरा, उसी धन संपत्ति से अपना परिवार को खुद को नहीं कुछ देता है, खुद भी अच्छे से खाता नहीं है। दूसरा कारण है उसमें तीसरा कारण है, धन संपत्ति कमा के एक बूंदा दान पुण्य नहीं करता है, किसी को थोड़ा भी देता नहीं है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति के बारे में बताया। दूसरा व्यक्ति भी अधार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, चोरी करके, झूठ बोल के, लूट कर, ठग कर, या तो फिर डांडी मार के, गलत गलत ढंग से, या तो फिर दारू बेचकर, शराब बेचकर, क्या है, औजार बेचकर, ऐसा गलत ढंग से धन कमाते हैं। गलत ढंग से धन कमा कर ये आदमी खाते पीते रहता है, अपना घर वाले लोगों को भी खाने पीने के लिए अच्छे से देता है, बच्चा लोग को उसी पैसा से पढ़ाता है, लेकिन कंजूस से दान देता नहीं है, उसी पैसे से दान पुण्य नहीं करता है। ये दूसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति है, धन कमाता है, धन कमाकर कैसा धन कमाता है, अधार्मिक ढंग से, कोई चोरी करके, झूठ बोल के, या तो फिर लूट कर, ठाक कर, धोखा दे के, या दारू बेचकर, जहर बेचकर, औजार बेचकर, या स्त्री को बेचकर, किसी गलत ढंग से पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमा के खुद अच्छे से खाते पीते रहता है, अपना बाल बच्चा को भी पढ़ाता लिखाता है, सब कुछ करता है, तथा वो दान पुण्य भी करता है, अधार्मिक से कमाया हुआ पैसा से दान पुण्य भी वो करता है। वो कौन सी व्यक्ति है? तीसरा। चौथा व्यक्ति है, वो क्या करता है, भगवान बुद्ध ने बताया, ये धार्मिक ढंग से भी पैसा कमाता है, अधार्मिक ढंग से भी पैसा कमाता है। इसका मतलब
गलत ढंग से भी पैसा कमाता है, सही अच्छा तरीके से भी पैसा कमाता है। अगर इसको पैसा कमाने के लिए मिल गया तो अच्छा रास्ता उससे भी कमाता है। अगर किसी को धोखा दे के लूट के पैसा कमाने का मौका मिल गया तो उसी प्रकार पैसा कमाता है। इसको सत्य बोल के पैसा कमाने का मिल गया तो कमाता है, झूठ बोल के पैसा कमाने का मौका मिल गया तो झूठ बोल के भी पैसा कमाता है। लेकिन दोनों प्रकार से कमाता है, धार्मिक से भी अधर्मिष्ट से भी कमाता है। लेकिन ये आदमी वो कमाने वाले धन अपने को नहीं देता है, परिवार को नहीं देता है, बाल बच्चे को नहीं देता, एकदम जमा करके रखता है। और उसका तीसरा कारण है, उसी धन संपत्ति से वो पुण्य नहीं करता है, एकदम कंजूस, दान पुण्य नहीं करता है। अभी कितना व्यक्ति के बारे में बताया? चार। पंचमा व्यक्ति है समाज में है, धार्मिक एवं अधार्मिक ढंग से पैसा कमाते हैं, सही तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। कमाने वाले पैसा से अपना परिवार को पालता पोसता है, बाल बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाता है, लिखाता है, कपड़ा वगैरह देता है, अच्छा अच्छा खान पान खाना खाता है, घर द्वार बना के अच्छे से रहता है। लेकिन वो देता नहीं है किसी को, कंजूस है, दान पुण्य नहीं करता है। इसके बाद और एक व्यक्ति है, अभी कितना लोग के बारे में बताया? पांच। छठा व्यक्ति है, ये भी धार्मिक एवं अधार्मिक ढंग से पैसा कमाता है। ये धार्मिक एवं अधार्मिक ढंग से पैसा कमाकर अपना परिवार को पैसा धन देता है, यानी कि सारे सुविधा बना देता है सभी लोगों को, अपना फैमिली को। उसका तीसरा कारण है, दान पुण्य भी करता है, धार्मिक अधार्मिक से पैसा कमा के दान पुण्य भी करता है। अभी कितना लोग के बारे में बताया? छह लोगों के बारे में। सातवां व्यक्ति है, ये व्यक्ति सिर्फ धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, एकदम साधारण व्यक्ति है, असाधारण नहीं, एकदम सही तरीके से पैसा कमाता है। लेकिन पैसा कमा के खाता पीता नहीं, सिर्फ जमा करके रहता है। ये दारू नहीं बेचता है, जहर नहीं बेचता है, औजार नहीं बेचता है, स्त्री नहीं बेचता है, और मांस नहीं बेचता है, डांडी नहीं मारता है, लूटता नहीं है, दुकान नहीं देता है, झूठ बोल के पैसा नहीं कमाता है, साधारण ढंग से पैसा कमाता है, लेकिन खुद खाता पीता नहीं, अपना पत्नी को बाल बच्चों को भी देता नहीं, पैसा खर्च नहीं करता है, तथा वो दान पुण्य नहीं करता है। अपना परिवार को नहीं देगा तो कभी दान पुण्य करेगा? नहीं है। अभी कितना लोग के बारे में बताया? सात। आठवां व्यक्ति है, ये भी धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, बिल्कुल सही तरीके से पैसा कमाते, कोई गलत नहीं, अपना परिवार को भी अच्छा से खिलाता पिलाता है, खुद भी अच्छा से खा पी के रहता है, लेकिन कंजूस है, दान पुण्य नहीं करता है। अभी आठ लोगों के बारे में बताया। नौवां व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी धार्मिक ढंग से पैसा कमाते हैं, एकदम अच्छा तरीके से पैसा कमाता है, अच्छा से धन कमा के खुद अच्छे से खाते पीते रहता है, घर द्वार बनाता है, जमीन खरीदता है, अच्छे से रहता है, तथा दान पुण्य करता है। भगवान बुद्ध ने बताया, दान पुण्य करता है, लेकिन अपना कमाया हुआ धन संपत्ति पे लालची में रहता है। मेरा हम जो कमाए हो घर द्वार है, ये मेरा हाँ, मैंने मुश्किल से घर द्वार बनाया, हम बहुत मुश्किल से ये बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा पास अभी ऐसा ऐसा धन है, पूरा अपना घर द्वार पे
धन संपत्ति पे पूरा लगाव है। ये कौन सा व्यक्ति है? नौवां व्यक्ति है। दसवां व्यक्ति है अंतिम अच्छा वाला व्यक्ति कौन है? धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है। दूसरा, वो अपना परिवार को भी खिलाता पिलाता है, अच्छे से खिलाते पिलाते कपड़ा लता वगैरह अच्छे से देता है। तीसरा, दान पुण्य भी करता है, हर महीना में एक बार जरूर संत लोगों को खिलाता पिलाता है, नहीं होने पर भी कम से कम थोड़ा भी 10 रुपया का भी कुछ दे लेकर के भोजन देता है, संगदान, या तो फिर कोई भिखारियों को देता है 1 रुपया भी, या तो फिर अपना माँ पिताजी को सेवा करता है जाके, ऐसा पुण्य करता है। लेकिन अपना कमाया हुआ धन संपत्ति पर आसक्त नहीं है, वो हमेशा जानता है कभी ना कभी ये सारे धन संपत्ति को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। ये है दसवां व्यक्ति। भगवान बुद्ध ने बताया ये 10 व्यक्ति से दसवां व्यक्ति सिर्फ अच्छा है। पहला व्यक्ति 3 प्रकार से गलत काम करता है। पहला क्या है? अधार्मिक ढंग से पैसा कमाता है। दूसरा क्या है? अपना परिवार को खिलाता पिलाता भी नहीं। तीसरा, दान पुण्य भी नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति 2 प्रकार से पाप करता है, गलत काम करता है। अधार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, दान पुण्य नहीं करता है, लेकिन एक अच्छा काम करता है, अपना परिवार को सेवा सत्कार करता है। तीसरा व्यक्ति 2 प्रकार से, दूसरा व्यक्ति 1 प्रकार से पुण्य करता है ना, पुण्य मतलब पुण्य नहीं, अच्छा काम करता है। तीसरा व्यक्ति 2 प्रकार से अच्छा काम करता है, वो क्या है? अधार्मिक ढंग से पैसा कमाते वो गलत, फिर अपना परिवार को खिलाता पिलाता है, इसके बाद दान पुण्य करता है। चौथा व्यक्ति धार्मिक से जो पैसा कमाता है वो सही है, लेकिन अधार्मिक से भी पैसा कमाता है ना, वो गलत है, वो 3 प्रकार से गलत काम करता है। अधार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, अपना परिवार को खिलाता पिलाता नहीं, दान पुण्य नहीं करता है, एक अच्छा है। कभी कभी वो धार्मिक प्रकार से पैसा कमाता है सही ढंग से। इसके बाद पांचवा व्यक्ति 2 प्रकार से सही है, धार्मिक ढंग से भी पैसा कमाता है ना, वो सही है, अधार्मिक ढंग से पैसा कमाते वो गलत। इसके बाद वो अपना परिवार को खिलाता पिलाता है, वो सही है, लेकिन दान पुण्य नहीं करता है, वो गलत। 2 गलत है, 2 सही है। तीसरा व्यक्ति के पास कितना गलत है? 1 गलत है, 3 सही है। गलत क्या है? अधार्मिक धार्मिक प्रकार से पैसा कमाता है, अधार्मिक ढंग से जो पैसा कमाता है, धन कमाता है, वो गलत है, लेकिन वो धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है और वो अपना परिवार को भी सेवा करता है और दान पुण्य भी करता है। 1 गलत 1 पाप पे 3 अच्छा है। इसके बाद अभी कौन सी व्यक्ति है? छठा, सातवां व्यक्ति। सातवां व्यक्ति, आठवां व्यक्ति है ना, सातवां व्यक्ति 1 प्रकार सही है। क्या है? धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, लेकिन 2 गलत है, अपना परिवार को खिलाता पिलाता सेवा सत्कार नहीं करता है, दान पुण्य भी नहीं करता है। इसके बाद वो नहीं, वो धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, आठवां व्यक्ति, सातवां व्यक्ति। फिर आठवां व्यक्ति भी धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, लेकिन अपना परिवार को खिलाता पिलाता है, मगर दान पुण्य नहीं करता है, वो 2 प्रकार से अच्छा है। क्या है 2 प्रकार?
क्या अच्छा है? धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है, अपना परिवार को खिलाता पिलाता है, लेकिन दान पुण्य नहीं करता है। आठवां व्यक्ति वो सात हो गया, नौ माने आठवां है। इसके बाद व्यक्ति, हाँ नौवां व्यक्ति है धार्मिक ढंग से पैसा कमा। तीन प्रकार से सही है लेकिन एक गलत है। क्या तीन प्रकार सही है? धार्मिक ढंग से पैसा कमाता है और परिवार को भी सेवा सत्कार उसी पैसा से करता है। दूसरा, तीसरा दान पुण्य करता है। गलत क्या है? आ सकते हैं सारे कमाया हुआ घर द्वार पर, धन संपत्ति पर पूरा आ सकते हैं। दसवां व्यक्ति हर प्रकार से पारिशुद्ध है। कैसे है? धार्मिक ढंग से भी पैसा कमाता है, वो भी अच्छा है, अपना परिवार को भी खिलाता पिलाता है, बच्चा को पढ़ाता है और सेवा करता है, सब कुछ जो होना चाहिए वो करता है। इसके बाद दान पुण्य भी करता है, दान पुण्य भी अच्छी तरह से करता है। फिर अंतिम गुण क्या है? वो हमेशा समाज के रहता है, ये धन कभी ना कभी छोड़ के जाना पड़ता है। अभी देखिए आप लोगों का परिवार में कौन सा प्रकार है, इसमें से बहुत प्रकार गलत हो गया ना। इसीलिए हम लोग सीखना चाहिए, पैसा कमाना है तो धार्मिक ढंग से ही धन कमाना चाहिए, नहीं तो ठीक तो नहीं है। कोई कोई लोग गलत प्रकार से पैसा कमाता है, वो पैसा से कोई भी आगे बढ़ गया तो तुरंत पतन हो जाता है। सही ढंग से मेहनत करके पैसा कमाएंगे तो, सही तरीके से पैसा कमाएंगे तो जल्दी बढ़ता है। दूसरों को धोखा दे के, लूट के, ठग के गलत प्रकार से पैसा कमाने जाएगा तो झूठ बोलकर, मांस बेचकर, दारू बेचकर पैसा कमाने जाएंगे तो जल्दी अमीर हो जाएगा, लेकिन जल्दी गिर जाएगा। ऐसा गलत ढंग से पैसा कमाने वाले लोगों के परिवार में जन्म लेता है बच्चे लोग। कैसे? जन्म से बीमार है, वही बच्चा को खर्च करना पड़ेगा लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। पैसा कमाएगा तो 50,000 खर्च करना पड़ेगा, 1.5 लाख, 3 गुना खर्च करना पड़ेगा उस पे। इसलिए हम लोग ने, आप लोग धन संपत्ति कमाएंगे तो याद रखिए, धन संपत्ति कमाना चाहिए। कैसे? धार्मिक ढंग से। दूसरा क्या है? अपना परिवार को सेवा करना चाहिए। पत्नी को क्या चाहिए वो देना है, पत्नी को कपड़ा, सोना, चांदी जो चाहिए वो देना चाहिए, तथा अपना बाल बच्चा के लिए जो कुछ कर्तव्य निभाना है वो निभाना पड़ेगा, चाहे वो बच्ची हो सकता है, बच्चा हो सकता है। क्या कह रहे हैं? बचपन में अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से उन लोगों को पोषण का खाना देना है, इसके बाद उन लोगों को समय पर शादी करवाना है। ऐसा करके अपना बच्चा का कल्याण के लिए भी करना पड़ेगा। तथा हमेशा याद रखना चाहिए, कभी ना कभी ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है ना। देखिए आप लोगों को कुछ समय के लिए घर मिला, किसी को घर आम्मा में मिला, किसी का घर मिल गया बोध गया में, किसी का घर मुचारी में मिल गया, किसी का घर बैकरोर में मिल गया, किसी का घर पचाटी में मिल गया, अलग अलग जगह पे आपको इसी जीवन में घर मिल गया। कितना समय के लिए ये घर मिल गया है? किसी को 60 साल के लिए घर मिल गया किराया पे, है ना, होटल जैसा, 60 साल के रह गए फिर घर लेके जा सकता है या फिर घर में रह सकता है? नहीं, छोड़ना पड़ता है 60 साल तक। कोई कोई लोग उसी घर पे आता है 50 साल के लिए, कोई कोई लोग आता है 40 साल के लिए, और लोग आता है 10 साल के लिए, और लोग 5 साल के लिए, और लोग 1 घंटा के लिए आते हैं, और लोग आते हैं 1 मिनट के लिए, कोई कोई लोग बिना आके अंदर ही मर जाते हैं।
ऐसा है ना, पता नहीं आप लोग कितना साल के लिए आए हैं, मालूम नहीं आप लोग का मम्मी पापा कितना समय के लिए घर पे आया है, लेकिन बात क्या है, आने के बाद जरूर आपको जाना पड़ेगा छोड़ के। प्रॉब्लम क्या है, मरते समय कोई भी तैयार नहीं है जल्दी मरने के लिए। बहुत सारे दादी दादा लोगों के साथ बात करके, देखिए नाना नानी लोग के साथ, मेरा पोती का शादी है, लगन हो रहा है, वो लगन खत्म होने के बाद मेरा माँ मर गया तो बस, इसके बाद लगन खत्म हो गया, दूसरा पोता का भी लगन है, वो खत्म हो गया तो हम मर गया तभी चलेगा, वो भी खत्म हो गया फिर भी और एक है, कभी खत्म होता है, और बोलता है मेरा बेटी का कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया तो हे भगवान हमको लेके जाओ तुम्हारे पास, बेटी का प्रॉब्लम खत्म हो गया फिर बताएगा लेके जाओ, थोड़ा वेट करो, और मेरा कोई परिवार में कुछ तकलीफ है वो खत्म होने तक रुको ना भगवान, ऐसे करके रुकता है। कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं है, मरते समय शांति से कौन मर जाते हैं, कोई नहीं मरता है, लेकिन लोग कहता है हम मेरा बेटा को शादी करवाया, बेटी को शादी करवाया, हम मेरा कर्तव्य निभाया, जमीन दे दिया, घर द्वार बांट दिया, सब ठीक है, अभी मर गया तब भी चलेगा, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, बच्चे तुम लोग सब लोग सब कुछ तुम लोग ले लो, ऐसे बूढ़ा बूढ़ी मम्मी पापा लोग कहते हैं, तुम लोग अभी सब ले लो, हम लोग का भी आराम से रहने दे दो, लेकिन अंदर से बोल रहा है मैंने कमा के दे दिया, कम से कम इन लोग मुझे अच्छा से एक दिन अंडा भी खिलाता है, कम से कम नहीं खिलाता है, कम से कम इन लोग हमको एक ओमलेट नहीं देता एक महीना में, कम से कम इन लोग मुझे भिंडी का भुंजिया बना के देता है, नहीं रोज दाल भात दाल भात दाल भात, हम इन लोगों को कैसे खिलाया पिलाया याद नहीं इन लोगों को, ऐसे करके डांट रहता है, लेकिन लेकिन लोग कहता है क्या, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, सब तुम लोग ले लो, अभी आराम से रहने दो हमको और मेरा बूढ़ी पत्नी को, ऐसे करके दोनों अलग होता है, लेकिन अंदर से जलते जलते रहता है। क्यों ऐसे होता है, ज्ञान नहीं है, जिस परिवार में ज्ञान नहीं है तो उस परिवार में हमेशा सब कुछ दिखावट है, माया है। कभी कभी पापा, आप लोग का पापा है तो कोई कोई पापा लोग बहुत बदमाश है, लेकिन दारू पीने के बाद देखिए, पहले तो दारू पीने के पहले एकदम सीधा सीधा नहीं एकदम ठेढ़ा ऐसे करके देखता है, ऐसे करके देखता है, गांधी कौन है बुला उसको, ऐसे करके गुस्सा से रहता है, लेकिन दारू पीने के बाद बोलता है हमारा देश आजाद हो गया, गांधी जी ने आजाद किया है, हम लोग अपना देश का इज्जत सुरक्षा करना चाहिए, पापी लोगों को हम लोग खत्म करना चाहिए, ऐसे करके लोग मन यानी कि दारू पीने का लोग बोलते रहता है ना। इसीलिए याद रखना चाहिए एक बात, क्या है एक बात,